भाई साहब ये देखो गली के अंदर आया, इतना आसान नहीं है भाई यहाँ पे आ जाना। बता दो उधर से भाई, जब गली में घुसे तो मुझे आने में करीब करीब 1 घंटा लग गया, घूमते 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 घूमते। यहाँ पे देखिए भाई कितना बोर्ड खड़ा है, ये सब सब मछली पकड़ने के लिए अंदर जाते हैं। आप सभी को इससे और अच्छा नज़ारा दिखाऊंगा, जो विलेज लाइफ है ना उधर का मछुआरों का। ओह माय गॉड, ओ भाई साहब नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। और आज फिलहाल मैं जा रहा हूँ भाई वर्ली कोलीवाड़ा। वर्ली कोलीवाड़ा काफ़ी हिस्टोरिकल प्लेस है भाई, यदि आप कभी वहाँ पे जाओ तो बहुत ही यूनिक यूनिक चीज़ें देखने के लिए मिलेगा। जैसे कि भाई वहाँ पे सबसे पुराना में से एक मछुआरा का जो अड्डा है वो वर्ली कोलीवाड़ा गाँव में है भाई, तो अभी वहीं पर चलूँगा। और वर्ली कोलीवाड़ा गांव के विलेज, वर्ली विलेज के नाम से भी जाना जाता है। और फिलहाल मैं हूँ अभी यहाँ पे वर्ली नाका के सामने, और इधर से मैं जा रहा हूँ मुकेश अंबानी जी का जो लड़की है ईशा अंबानी जी उसके घर के साइड से होते हुए भाई। और अभी यहाँ से मुझे जाने में करीब करीब आधा घंटा लग जाएगा क्योंकि मैं पैदल जा रहा हूँ, और वैसे तो बस से जा सकता हूँ, बस से मैं 2 मिनट में पहुँच जाऊँगा, लेकिन मुझे जो चीज़ें आप सभी को दिखानी है वो नहीं दिखा पाएंगे। फिलहाल देख सकते हो ये सुबह सुबह का कुछ हलचल ऐसा है भाई, यह है मुंबई की सड़कें। और आज बता दूं भाई संडे है, इधर देखिए आप सभी को दिख जाएगा ऊंची ऊंची इमारत, और ये देखो भाई क्या नज़ारा है। और ये जो रोड देख रहे हो ना, ये रोड बांद्रा वर्ली जो सीलिंग है वो कनेक्ट करती है। फिलहाल मैं इधर ही से घूमते घूमते आगे की ओर जाऊँगा भाई। इधर का देख सकते हो कुछ ऐसा माहौल है, और सामने काफ़ी ज़्यादा बिल्डिंग वगैरह दिखेगा भाई। इधर का नज़ारा देखो, आओ मैं आप सभी को पूरा, और सामने भाई कोस्टल रोड बन रहा है उसका भी थोड़ा सा आप सभी को नज़ारा दिखा दूं। भाई साहब आप सभी को पता होगा मुंबई का कोस्टल रोड जो कि 19 फरवरी को शायद से ओपनिंग होने वाला है, और अपडेट आ रहा है भाई आज भी ओपनिंग होने वाला है, क्या पता पता नहीं। मेरा जो दोस्त है अनिल भाई वो उधर ही से आते जाते रहते हैं, तो वो बता रहा था मुझे कि भाई आज वहाँ का जो रोड है वो बंद होगा और ओपनिंग होगा। भाई न्यूज़ में और आर्टिकल में तो देख रहा हूँ कि 19 फरवरी का डेट बता रहा है, क्या पता आज हो सके। तो अभी मैं फ़िलहाल इधर घूमूंगा, इधर घूमने के बाद वर्ली विलेज से घूमने के बाद टाइम मिलेगा तो मैं जाऊँगा कोस्टल रोड के साइड, तो उधर का जो ओपनिंग होगा वो भी दिखाएंगे आप सभी को। फ़िलहाल मैं अभी इधर से आगे की ओर जाऊँ, यहाँ पर बस स्टॉप वगैरह नहीं है, डायरेक्ट आगे बस स्टॉप है भाई, तो चलते हैं आगे। और यहाँ पे एक छोटा सा गांव टाइप का बना हुआ है जहाँ पे चाल वगैरह काफ़ी ज़्यादा है और बहुत से लोग अपने फैमिली के साथ रहते हैं। आओ थोड़ा वो भी दिखा दूँ आगे चल करके। दोस्तों इधर देखेंगे तो आप सभी को दिख जाएगा भाई एकदम एक से एक गाड़ी वगैरह पार हो रहा है। अभी कैमरा जब बंद किए थे तो उस समय भाई इधर से गाड़ी पार हुआ, और ये देख सकते हो एक छोटा सा चाल वगैरह इधर बसा हुआ है, एक बस्ती बसा हुआ है काफ़ी ज़्यादा, इधर आप सभी को चाल वगैरह देखने के लिए मिलेगा। ये देखो भाई कार देख रहे हो ना कैसा था, खतरनाक ज़बरदस्त। तो फिलहाल अभी इधर से चलता हूँ, और यहाँ पर भाई आप सभी को बता दूँ सामने मुकेश अंबानी जी का लड़की का घर है, तो ऐसी ऐसी जो गाड़ी वगैरह है ना वो पार होते रहता है दिन भर। तो फिलहाल अभी इधर से चलता हूँ, और ये जो आप बैरिकेड मारा हुआ देख रहे हैं मैं आगे से आपको दिखाता हूँ पूरे अच्छे तरीके से, और बताता हूँ इसके बारे में, इसके अंदर अभी क्या हो रहा है भाई। दोस्तों देख सकते हो अभी फ़िलहाल मैं किनारे किनारे जा रहा हूँ भाई, और यहाँ पे देखिए कपड़ा वगैरह जो है ये देख रहे हो ना, ये सब इस पर इसलिए टंगा हुआ है क्योंकि भाई मुंबई के जो झोपड़पट्टी है जो चाल है उसमें जगह नहीं रहता है कपड़ा सुखाने का, घर के अंदर ही लोग सुखाते हैं, इसके लिए यहाँ पर डाल दिया है ताकि धूप वगैरह आ रहा है जल्दी सूख जाए। और ये देखिए किनारे जाने जाने आने जाने का रास्ता है, और ऊपर देखेंगे तो भाई काफ़ी खूबसूरत सा खजूर का पेड़ दिखेगा जगह जगह पे। ये देखिए एक यहाँ है एक आगे है, इसी तरह एकदम जहाँ तक बैरिकेड लगा हुआ है उधर तक पूरा मारा हुआ है भाई। और ये देखिए भाई ये बस पकड़ के जा सकते थे, फिलहाल नहीं गए, अब इनको पूछते हैं। अंकल जी कोलीवाड़ा कितना दूर है? 3-4 किलोमीटर। आगे बस स्टॉप है कोई? अच्छा ये वाला है, और आगे इसके आगे? हाँ उधर है, ठीक है ठीक है, थैंक यू ठीक है थैंक यू। इधर लेकिन मुझे आगे थोड़ा देखना था उधर, ठीक है। तो देखो दोस्तों यदि आपको कुछ पता नहीं है
तो आप किसी भी व्यक्ति से पूछेंगे ना कि भाई मुझे उस जगह पे जाना है, उसका बस नंबर क्या है और बस जाती है कि नहीं जाती है, तो आप सभी को पूरा चीज़ें बता देगा भाई, क्योंकि वो लोकल रहते हैं। और यहाँ पे देखिए ये जो बैरिकेड लगा हुआ है, इसके बारे में तो बताना आप सभी को भूल ही गए हैं भाई। जो कोस्टल रोड बन रहा है ना, इसके वजह से पूरा बैरिकेड लगा हुआ है। ये देखो इधर पूरा बैरिकेड लगा हुआ है। फिलहाल मैं आगे जाऊंगा, जब बैरिकेड ख़त्म हो जाएगा तो वहाँ पे एक अच्छा सा प्लेस है जहाँ पे लोग आते हैं और रात को आनंद फरमाते हैं भाई, वो भी दिखाऊंगा। और साथ ही साथ उसी के अपोजिट साइड मुकेश अंबानी जी का लड़की ईशा अंबानी जी का हाउस है भाई, वो दिखाएंगे। ज़बरदस्त बनाया हुआ है, लेकिन डायमंड का शेप का बना हुआ है, वो तो मैं वहाँ जाने के बाद ही आप सभी को दिखाता हूँ। और ये देखिए, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा क्योंकि लोगों का जाने के लिए रास्ता है भाई। और इधर देखिए एक से एक गाड़ी वगैरह पार होते रहता है। दोस्तों फाइनली उस स्थान पे पहुंच चुका हूं जहां पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ रहता है भाई। यदि आप कभी शाम को घूमने आएंगे ना तो यहां पे काफ़ी सारे लोग आप सभी को बैठते हुए दिख जाएगा। और सामने ईशा अंबानी जी का घर है, आओ दिखाता हूं। और भाई पैदल मैं इसलिए जा रहा हूं ताकि ये सारी जो नज़ारा है आप सभी को दिखा पाऊँ। और पीछे देखेंगे तो आप सभी को ऊँची ऊँची ये लगा हुआ है भाई, मशीन वगैरह लगा हुआ है जिससे कोस्टल रोड की जोरों शोरों से तैयारी हो रही है। और ये देखिए भाई इधर बैठने का जगह है, देखो कितना खूबसूरत बना हुआ है भाई। और ये देखो इधर भी बैठने के लिए जगह है, और सामने खजूर का पेड़ है। और ये भाई एक समय पे मरीन ड्राइव हुआ करता था, फिलहाल अभी कोस्टल रोड बन रहा है। और इसके अंदर भी एक बहुत ही बड़ा मरीन ड्राइव बनाया जा रहा है भाई। और सामने आओ मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊं। ये देखें यहाँ पे आपको बहुत से लोग दिख जाएंगे भाई आनंद उठाते हुए। देखिए अभी जॉगिंग वगैरह कर रहा है, और बता दूँ भाई अभी समय 11:30 बज रहा है, और 11:30 बजे यहाँ पे देखिए जॉगिंग वगैरह कर रहे हैं बड़े बड़े घर के बड़े बड़े लोग। भाई कोलीवाड़ा कितना दूर है? कोलीवाड़ा नहीं मालूम? अरे फर्स्ट टाइम आए हो, इधर अंदर ही काम करते हो? तो दोस्तों अभी चलते हैं आगे। यहाँ पे देखो सामने बस स्टॉप दिख रहा है भाई, पहले आप सभी को ईशा अंबानी जी का घर दिखा दूँ। कहाँ दिख रहा है भाई? इधर ही कहीं था मुझे ऐसा लग रहा है, गुम हो गया। नहीं भाई आगे है, ये पेड़ों से ढका हुआ है, काफ़ी दिनों बाद आए हैं ना इसके लिए मुझे ऐसा फील हो रहा है। इधर देखो बैठने का जगह है भाई। दोस्तों इधर देखिए भाई जोड़ों शोरों से कोस्टल रोड का काम चालू है। और यहाँ पे सामने देखिए आप सभी को दिख जाएगा मुकेश अंबानी जी का लड़की ईशा अंबानी जी का घर। और भाई बिल्डिंग के बीचों बीच देखो, ऐसा लगेगा आप सभी को कि बड़ा बड़ा डायमंड लगा हुआ है, डायमंड का शेप बना हुआ है, डायमंड नहीं लगा हुआ है। आओ मैं आपको पूरा नज़ारा दिखाऊँ। और भाई ये वो प्लेस है, जब यहाँ पे रात को कभी आएंगे ना घूमने के लिए, तो आप कभी भी आएंगे रात को घूमने के लिए तो काफ़ी आनंद आता है, क्योंकि यहाँ पे सामने समुद्र है इसके अपोजिट साइड, और यहाँ का जो हवा है वो काफ़ी अच्छा है भाई। और ये देखिए यहाँ पे किस प्रकार से उनका घर दिख रहा है ईशा अंबानी जी का। और सामने देखेंगे तो भाई काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी टाइट लगी हुई है। वो साइड देखो वाइट वाइट गाड़ी दिख रही होगी आप सभी को, देखो कितना ज़्यादा वाइट वाइट गाड़ी है ना, सब में आप सभी को दिखेगा गार्ड वगैरह भाई, उधर जा कर के शूट करना पॉसिबल नहीं है। फिलहाल मैं इधर ही से आगे होते हुए चले जाऊंगा आगे की ओर, ये आपको पूरा इधर का नज़ारा दिखाएं। और यहाँ से मुझे अभी और जाने में आधा घंटा लग सकता है भाई। और ऊपर देखिए ये सब बिल्डिंग है जो है अभी तैयार हो रहा है भाई। और ये देखो एक बार मैं और दिखा देता हूँ किस प्रकार से दिख रहा है भाई। और ये सामने देखिए ये जो वाइट वाइट गाड़ी देख रहे हैं ना, इसमें इनका गार्ड वगैरह है, ये देखो भाई ज़बरदस्त। और यहाँ पे देखिए इधर का नज़ारा। तो और ऐसे जगह पर घर लेते हैं ताकि उसका घर देखने में बहुत ही खूबसूरत लगे, क्योंकि समुद्र है भाई, यदि बालकनी में खड़ा हो जाए आकर के तो पूरा समुद्र का नज़ारा दिखेगा सामने। दोस्तों फाइनली अभी उधर से पार होकर के ये साइड आ चुका हूँ भाई, और इधर तो मुझे काफ़ी अच्छा वाइब लग रहा है भाई। देखो बिल्डिंग देखो, वो भी लग्जरी बिल्डिंग है भाई। ये सामने बिल्डिंग देखो आप सभी को, कितना खूबसूरत ऊंची ऊंची इमारत दिखेगा भाई। ये सब बिल्डिंग का कीमत कितना होगा यार, कमेंट करके बताना, तो थोड़ा मुझे आइडिया नहीं है भाई ये सारी चीज़ों का। फिलहाल देखो यहाँ से सीधा सीधा आगे जाऊँगा, और यहाँ से देखो भाई ये जो ब्रिज दिख रहा है काफ़ी सुंदर लग रहा है भाई। आओ मैं आपको नज़दीक से दिखाऊँ। और इधर देखिए भाई
बिल्डिंग वगैरह देख रहे हो ना, काफ़ी खूबसूरत खूबसूरत बिल्डिंग है। और ये देखो एक बस स्टॉप है भाई, यहाँ पे देखेंगे तो बहुत से लोग बैठे हैं। और ये जो बस स्टॉप है ऐसा नया नया बन रहा है भाई मुंबई में, पहले का जो बस स्टॉप था वो अलग था और अभी का अलग है। और ये देखो बस भी आ चुकी है भाई, जाते समय बस से सफ़र करूँगा। फिलहाल अभी मैं इधर आगे जा रहा हूँ, कोलीवाड़ा थोड़ा घूमूंगा भाई, आप सभी को पूरा उधर का नज़ारा दिखाएंगे। और वो साइड चले गए थे भाई गलती से, और साइड काम चालू था तो वहाँ पे जो वर्कर थे भाई वो बोला भाई इधर मत जाओ क्योंकि वहाँ पे काम चालू है, पकड़ लेगा। तो बोले ठीक है भाई इधर रोड क्रॉस कर लेते हैं, और रोड क्रॉस करके सीधा सीधा आगे की ओर चले जाते हैं। मुझे तो ये बिल्डिंग देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, और हवा का पूछो ही मत आप, जब इधर आप घूमने आएंगे ना काफ़ी सुंदर हवा आएगा, क्योंकि सामने समुद्र का नज़ारा दिखेगा आप सभी को। ये बैरिकेड लगा हुआ है इसके लिए नहीं दिख रहा है भाई, ये किनारे किनारे में जा रहा हूँ आगे की ओर, थोड़ा सा आपको आगे ब्रिज का नज़ारा दिखाऊँ। दोस्तों लोग घर पे बैठे बैठे बोलते हैं कि विकास कहाँ हो रहा है भाई, विकास आप ऐसे नहीं देख पाएंगे, जब आप घूमेंगे तो आपको दिखेगा। ये देखो यहाँ पे ज़बरदस्त काम चालू है भाई, ये ब्रिज का नज़ारा देखो, ऐसा लगेगा भाई अभी तो बन के रेडी नहीं हुआ है। देखेंगे तो आपको ऊपर रोड वगैरह दिखेगा क्योंकि काम चालू है भाई। और इधर देखो मैं नीचे नीचे जा रहा हूँ, काफ़ी शानदार सा नज़ारा है भाई, और यहाँ से कोलीवाड़ा ज़्यादा दूर नहीं है ये देख सकते हो। और आओ मैं आपको थोड़ा ये ब्रिज का नज़ारा दिखाऊं भाई, लोग कहते हैं विकास नहीं हो रहा है भाई, थोड़ा घूमो तो पता चलेगा आप सभी को क्या क्या हमारे भारत में हो रहा है। ये देखिए ज़बरदस्त तरीके से काम चालू है भाई, उधर बैरिकेड मारा हुआ है, वरना उधर जा करके आप सभी को दिखाते हैं। और कार का तो पूछो ही मत, एक से एक कार पार होती है इधर से, ये देखो भाई आप सभी को ये देखने में कैसा लग रहा है भाई कमेंट करो। और फिलहाल मैं इधर से जा रहा हूँ, आप सभी को इससे और अच्छा नज़ारा दिखाऊंगा, जो विलेज लाइफ है ना उधर का मछुआरों का, जहाँ पे नाव वगैरह बहुत ही ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, नाव तो देखने के लिए मिलेगा ही। और साथ ही साथ ये देखो भाई कौआ मुझे सुन रहा था इधर खड़ा करके, अभी देख सामने नज़दीक आ गए तो वो भाग गया। लेकिन ये देखो भाई अभी बना नहीं है लेकिन काफ़ी ज़्यादा सुंदर दिख रहा है, इसके लिए आप सभी को दिखाएँ, ये देखो कितना ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और इधर का मुझे बिल्डिंग वगैरह आप सभी को पूरा दिखा रहा हूँ। फिलहाल मैं आगे चलूँगा कोलीवाड़ा, कोशिश करूँगा जो सामने फोर्ट है उसके ऊपर चढ़ करके आप सभी को नज़ारा दिखाऊँ, पॉसिबल हो पाएगा तो वो भी दिखाएंगे। लेकिन मेरे पीछे का जो नज़ारा है वो काफ़ी सुंदर है, आप वीडियो देखेंगे तो आपको आनंद ही आ जाएगा। ये देखो भाई बिल्डिंग देख रहे हो ना, जब घूमेंगे ना तो इसी प्रकार का आपको बिल्डिंग देखने के लिए मिलेगा। और इधर देखो फूल वगैरह लगाया जा रहा है भाई, साफ सफाई देखो भाई, ये सब सिटी में घूमेंगे तो भाई साहब कितना ज़बरदस्त नज़ारा है। ये देखिए सामने गार्डन बनी हुई है, आओ मैं आपको गार्डन दिखाऊं भाई। और भाई यहाँ पे मैं एक चीज़ नोटिस किया हूँ, बहुत से लोग आते हैं जो बढ़िया बढ़िया कार वगैरह रहते हैं उसका वीडियो निकालने के लिए। अभी 3-4 लोंडे आप देखे होंगे वीडियो में जो आगे की ओर गए हैं, वो भाई स्पोर्ट्स कार जो होते हैं उनका वीडियो निकालने के लिए आया था, चले गए वो लोग आगे, मुझे लगा ब्लॉगर है, ब्लॉगर नहीं है भाई। आओ इधर थोड़ा घूमा जाए, ये देखो भाई इधर बैठने का जगह है, और यहाँ पे देखेंगे तो बच्चे लोग खेल रहे हैं भाई, ये गार्डन टाइप का बना हुआ है छोटी सी। इधर से समुद्र का नज़ारा दिखता है इसके लिए आया हूँ। और यहाँ पे देखिए बैठने का जगह है भाई, बहुत से लोग इधर आकर के आनंद फरमाते हैं। आओ इधर से ऊपर चलाओ, चला जाए, वैसे तो बहुत कम लोग दिख रहे हैं भाई। ओ माय गॉड, ओ भाई साहब ये देखिए कितना ज़बरदस्त नज़ारा है भाई, ये देखिए यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट किया जा रहा है भाई, वो भी दो व्यक्ति। मैं भी जाके विश कर दूँ क्या? नहीं भाई, क्यों उन लोगों को डिस्टर्ब करूँ, देखो सामने का क्या नज़ारा है भाई। ये देखो ये बांद्रा वर्ली सीलिंग भाई, कोलीवाड़ा किधर है? कोलीवाड़ा उधर से जाना पड़ेगा। अच्छा कितना दूर होगा इधर से? दस पंद्रह मिनट? नहीं वो पोर्ट पे जाना है ऊपर।
5 किलोमीटर इतना लंबा? ओ भाई साहब, भाई अभी 3-4 किलोमीटर उधर से चल करके आया हूँ। अच्छा, यहाँ पे भीड़ रहता है कि नहीं? यहाँ पे रहता है यार, आता है देखने के लिए? मैं तो बराबर आता हूँ। आप किधर रहते हो? मेरा तो सामने कंपनी है। अच्छा, कंपनी में काम करते हैं। आज छुट्टी पे? आज संडे है ना। संडे को छुट्टी रहता है? वो जो महानगर पालिका नहीं है। हाँ हाँ, बस इधर ही घूमने के लिए आए थे, उधर जा रहे थे वो पोर्ट पे। क्या ये सब का नज़ारा अच्छा दिखता है? और ये जो समुद्र का नज़ारा देख पाऊँ जो नीचे उतर करते, वो किधर से दिखेगा? उधर से बहुत अच्छा दिखाई देता है। उधर इधर पत्थर है, उधर रेती है। उधर आगे? हाँ। क्या नाम है उधर का? अरे यार क्या कहते हैं भाई साहब, अभी आगे से चल के आया हूँ और यहाँ पे देखिए भाई कितना बोर्ड खड़ा है। ये सब मछली पकड़ने के लिए अंदर जाते हैं ना, उसके लिए खड़े हैं। फिलहाल वर्ली विलेज आगे सामने है और कोलीवाड़ा भी सामने है भाई। इधर नाव दिखा तो सोचे आप सभी को दिखा दूँ। ये देखो कितना ज़बरदस्त दिख रहा है भाई। और यहाँ पे देखिए सब जो मछली मच्छी मारते हैं वो जाल वगैरह सील रहे हैं वहाँ पे खड़े होकर के। और ये नाव को बांध दिया गया है भाई। ये सामने देखो, ये जो रेड कलर का ब्रिज टाइप का छोटा सा दिख रहा है ना, इस पे नाव बांध दिया गया है ताकि बह करके आगे ना जाए। एक नाव से दूसरा नाव बंधा हुआ है। ये देखो, ये जो ये रस्सी देख रहे हो ना, इससे ये बंधा हुआ है और वो दूसरा नाव जो है उसके बाजू वाला उस नाव पे बंधा हुआ है। तो इसी तरह कर करके आगे तक बंधा हुआ है पूरा। आओ मैं आपको थोड़ा आगे से दिखाऊँ यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इधर से जा ही रहे थे तो मुझे दिखा। आओ मैं पहले किसी से पूछूं इधर से कोलीवाड़ा कितना दूर है। वैसे तो मुझे पता है लेकिन इसलिए पूछता हूँ ताकि वीडियो का जो आप देख रहे हो वीडियो देखने में काफ़ी अच्छा लगे, इसके लिए पूछता हूँ भाई। भाई साहब ये देखो, गली के अंदर आया हूँ करीब मैं। दोस्तों फाइनली इस जगह पे आ चुके हैं भाई, और इतना आसान नहीं है भाई यहाँ पे आ जाना यदि आप इधर से कभी आएंगे तो, जिधर से मैं घूमते घूमते आया हूँ। ये देखो सामने पूरा गांव दिखेगा, ये वर्ली विलेज है। और भाई यहाँ की खास बात ये है कि यहाँ का आपको घर वगैरह जो है ये महाराष्ट्र का जो गांव है उसी प्रकार का देखने के लिए मिलेगा। आओ मैं आपको थोड़ा सा दिखाऊं। ये देखो भाई किस प्रकार से यहाँ पे, आगे देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा नाव वगैरह है। मैं कोशिश करूँगा उधर भी जा करके आप सभी को थोड़ा सा दिखा पाऊँ, कुछ ऐसा नज़ारा है। और इधर का भाई जो घर वगैरह है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है भाई। बता दूँ उधर से भाई जब गली में घुसे तो मुझे आने में करीब करीब 1 घंटा लग गया, घूमते 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 पूछते। मैं 4 साल से मुंबई में हूँ फिर भी यहाँ पे आकर के कंफ्यूज हो गए। लेकिन एक कॉन्फिडेंस था कि मुझे इतना पता है मुंबई के अंदर यदि घूमूंगा कोई भी गली में घुसो तो दूसरी गली में निकलना ही है। तो घुस जाते थे और किसी से भी पूछ लेते थे भाई वीडियो रिकॉर्ड नहीं किए, वरना 1 घंटे का वीडियो बन जाता और काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो बनता। क्योंकि भाई उसमें मैं काफ़ी लोगों से बात किया कि भाई पूछें उनको किधर से जाना है, तो भाई बहुत से लोग बोला सीधा चले जाओ सीधा चले जाओ, गली गली परेशान हो गए थे भाई। तो एक भाई बोला कि साइड में एकदम एक रास्ता पकड़ लो और वहाँ से सीधा ऊपर चले जाना किला के ऊपर। तो फाइनली अभी किला के ऊपर आ चुका हूँ और यहाँ से आप सभी को पूरा नज़ारा दिखा दिया हूँ भाई। ये देखो, ये जो गाँव देख रहे हो ये वर्ली गाँव है, काफ़ी खूबसूरत सा गाँव है। और यहाँ पर मैं घूम के गया हूँ एक बार, लेकिन फिर भी ज़्यादा कन्फ्यूज हो गए थे। ये देखिए किला के ऊपर कुछ इस प्रकार से दिखेगा और सामने बांद्रा वर्ली सीलिंग है, जो आपको उसका नज़ारा दिखा दूं। ये देखो इधर क्रिकेट वगैरह काफ़ी ज़्यादा खेलता है भाई शाम के समय पे आप देखेंगे तो। और अभी देखो किस प्रकार से बांद्रा वर्ली सीलिंग का नज़ारा दिख रहा है, आपको थोड़ा सा दिखा दूँ। इधर से आया हूँ तो पॉसिबल नहीं हो पाता है भाई, इधर आने में 2 घंटा लग गया मुझे आने में। 1 घंटा तो ये जो देख रहे हो ना ये गाँव घूमने में लगा मुझे, फिर वीडियो रिकॉर्ड नहीं किए। ये सामने देख सकते हो इस प्रकार से आपको छोटी छोटी रूमें देखने के लिए मिलेगा। और सामने देखो बांद्रा वर्ली सीलिंग और नाव वगैरह कितना खड़ा है भाई। आओ थोड़ा नाव भी ऊपर ही से दिखा दो, कोशिश करूंगा यदि नीचे जा पाऊँ तो उसके लिए अलग से वीडियो बनाऊँगा, क्योंकि ये जो गली वली है एक वीडियो में मैं कवर करूँगा ये गली वगैरह। ये देखो किस प्रकार से छोटी छोटी रूमें हैं। आओ थोड़ा आपको इधर से नाव वगैरह दिखा दूँ। ऊपर आएंगे किला के ऊपर तो आपको काफ़ी खूबसूरत नज़ारा दिखेगा। मुझे काफ़ी मज़ा लगा, काफ़ी अच्छा लगा वो गली वली में घूम करके, उसका अनुभव एक अलग ही प्रकार का था, सही था। ये देखिए किस प्रकार से इधर छोटी छोटी रूमें हैं और सामने देखिए किस प्रकार से नाव वगैरह है। मैं कोशिश करूँगा कि समुद्र के किनारे जाके वो नाव वगैरह अच्छे से देख पाऊँ भाई। ये देखो किस प्रकार से छोटी छोटी रूमें बनी हुई हैं। दोस्तों आप सभी को पूरा दिखा दिए,
ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा, अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और कोशिश करूँगा एक वीडियो और बनाऊँ इधर का चाल वगैरह का, इधर घूमूँ थोड़ा गली वगैरह में, और यदि बनाऊँगा तो आपको नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।